घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो कार्टिलेज डैमेज के वजह से होता है, और कार्टिलेज डैमेज के बाद जो रॉ बोन है वो आपस में रब करने लग जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ अ मिसनोमर, उसमें नी रिप्लेस नहीं होता है, वो रीसर्फेस होता है। हम जो परत टिबिया जो नीचे वाली हड्डी है और जो फीमर ऊपर वाली हड्डी है जिसकी कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, उसकी जो रॉ बोन है उसको हम क्लीन करते हैं, और उसको क्लीन करने के बाद उस पे सीमेंट से एक हम मेटल कैपिंग करते हैं, और इस मेटल कैपिंग जो टिबिया और फीमर पे करते हैं उसके बीच में एक प्लास्टिक लगाते हैं, और वो प्लास्टिक उस गद्दी का काम करता है, उस कार्टिलेज का काम करता है जो हमारे नेचुरली होती है। और इसी वजह से जो दोनों रॉ सरफेस हैं हड्डी की वो आपस में टकराना बंद कर देती हैं, और उस प्लास्टिक की वजह से दर्द आपका ख़त्म हो जाता है, घुटने की चाल बेहतर हो जाती है, और आप अपनी दिनचर्या की नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हैं। इस नी रिप्लेसमेंट की एक लाइफ है जो करीब करीब 15 से 20 साल है। वो लाइफ इस इम्प्लांट की नहीं है बट हमारी बॉडी प्रोसेस की है। जैसे जैसे एज होती है वैसे ही जो हमने इस मेटल को बोन से अटैच किया था सीमेंट से, वो थोड़ा बॉडी में एक्टिविटी की वजह से घुलने लग जाता है, बोन थोड़ी थोड़ी सी ऑस्टियोपोरोटिक होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये मेटल ढीला हो सकता है। ये एक एवरेज लाइफ है 15 से 20 साल, बट अगर हम अच्छा वेट मेंटेन करते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं और अपना डायबिटिक लेवल्स शुगर लेवल्स अच्छा रखते हैं, सो दिस कैन गो अप टिल 25 ईयर्स एंड वी माइट नॉट नीड एनी री रिविजन सर्जरीज फॉर 25 ईयर्स। प्लस इसका थोड़ा सा ये भी हमें प्रिकॉशन रखना है कि कितना हम ज़मीन पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। इट इज़ ऑल लाइक कोई हमारी गाड़ी के टायर्स हैं, वो टायर अगर हम खेत में ले जाएंगे तो वो मना तो नहीं करेगा खेत में जाने के लिए, बट उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो उसी तरह नी रिप्लेसमेंट के बाद आप ज़मीन में बैठना चाहेंगे या कोई भी एक्टिव लाइफ आप जीना चाहेंगे या स्पोर्टिंग एक्टिविटी करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे, बट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो दैट शुड बी अवॉइडेड। अगर वो हम अवॉइड करते हैं तो हम लंबे समय तक एटलीस्ट 15 to 20 years आराम से इस ऑपरेशन की जो सफलता है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।